भगवान शिव आदि अनंत निराकार और निर्गुण है। संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो भगवान शिव के बारे में न जानता हो। लेकिन भगवान शिव के सत्य स्वरूप को जानना सबके बस की बात नहीं है। हम शिव की पूजा तो करते हैं, पर क्या हम शिवलिंग और उसके रहस्यों के विषय में जानते हैं? ज्यादातर मनुष्य तो शिवलिंग के वास्तविक अर्थ तक को नहीं जानते हैं। शिवलिंग क्यों पूजनीय है? शिवलिंग का आकार ऐसा क्यों है? शिवलिंग का शाब्दिक अर्थ क्या है और शिवलिंग से हमें क्या ज्ञान प्राप्त होता है? इन रहस्यों को जानने के लिए आज इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। बहुत से धर्मों ने और वामपंथी विचारकों ने शिवलिंग के आकार और नाम से समाज में बहुत ही अधिक भ्रम, शिवलिंग शिव और सनातन धर्म के विषय में फैलाने का काम किया है और उन्हें भ्रमित कर रखा है। लेकिन सबसे आश्चर्य और दुख की बात तो यह है कि इस षड्यंत्र में मलिक्षों के साथ साथ कुछ भारतीय राक्षस भी हैं। ये सब मिलकर शिव और शिवलिंग का मजाक बनाते हैं, पर सच्चाई ज्यादा समय तक कभी छिपी नहीं रहती है। आज के बाद आपको शिवलिंग का वास्तविक अर्थ और रहस्य का पता चल जाएगा और साथ में हम ये भी बताएंगे कि शिवलिंग भारत के साथ साथ पूरी दुनिया और इस पूरे ब्रह्मांड में रहने वाले सभी जीवों के लिए क्यों पूजनीय है। शिवलिंग का शाब्दिक अर्थ क्या है? शिवलिंग दो शब्दों से मिलकर बना है, शिव तथा लिंग, जहाँ शिव का अर्थ होता है परम शुद्ध चेतना, परमेश्वर या परम तत्व, और लिंग का अर्थ होता है निशान, चिन्ह, प्रारूप, लक्षण या प्रतीक। तो शिवलिंग का शाब्दिक अर्थ हुआ भगवान शिव का या परम तत्व का प्रतीक या चिन्ह। अब हमें यह भी जान लेना चाहिए कि संस्कृत में जनन अंग के लिए शिश्नम शब्द आता है, न के लिंग, लिंग के अन्य अर्थ। आइए अब लिंग के कुछ अन्य अर्थों को जानते हैं। लिंग पुराण में लिखा है, लेते यस्मिन इति लिंगम, अर्थात सारे संसार की उत्पत्ति और लय जिसमें हो उसे लिंग कहते हैं। शिव शक्तोच्च विचिन्हस्य मेलन्म लिंग मुच्यते, शिव पुराण की विदेशवर संहिता के इस श्लोक में बताया गया है। शिव और शक्ति का मेल ही शिवलिंग है। शिवलिंग का वास्तविक अर्थ क्या है? शिवलिंग को जानने से पूर्व हमें शिव और शक्ति, जिन्हें पुरुष और प्रकृति कहते हैं, उनके विषय में जानना बहुत जरूरी है। शिव आगम में शिवलिंग को शिव और शक्ति कहा जाता है। वेदों में पुरुष और प्रकृति कहते हैं, विज्ञान उसे गॉड और एनर्जी कहता है। हालांकि विज्ञान ईश्वर को नहीं मानता है, विज्ञान कहता है प्रकृति यानी के सभी भौतिक चीजें मूलतः एनर्जी ही है। विज्ञान का ये भी कहना है कि प्रकृति ऑटोमेटिक है और यह दिन रात, जन्म और मृत्यु प्रकृति ही करती है। ईश्वर का इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं है, जबकि हमारा वैदिक धर्म कहता है कि यदि प्रकृति ऑटोमेटिक है तो उसे ऑटोमेटिक बनाने वाला भी कोई है। सृष्टि निर्माण के पीछे विज्ञान हमें बिग बैंग की थ्योरी बताता है, लेकिन बिग बैंग से पहले क्या था उसके बारे में विज्ञान हमें कुछ भी नहीं बता पाता है। विज्ञान हमें ये भी नहीं बता पाता है कि बिना स्पेस के किसी भी चीज का होना संभव ही नहीं है, तो बिग बैंग कहाँ हुआ था। लेकिन हमारे वेदों में बिग बैंग से पहले क्या था उसके बारे में भी बताया गया है। प्रकृति क्या है? प्रकृति का मतलब यह नहीं है जो हमें दिखता है। प्रकृति का मतलब है कृति से पहले, यानी के बिफोर क्रिएशन, यानी के किसी भी चीज से निर्माण से पूर्व जो भी था या जैसी भी स्थिति थी वो ही प्रकृति है। प्रकृति में सब कुछ पैदा करने की क्षमता होती है और वो जो चाहे पैदा कर सकती है, इसीलिए प्रकृति को सर्वगर्भाय कहा जाता है। जो कुछ भी संसार में पैदा हुआ है प्रकृति से हुआ है। जहाँ कुछ भी नहीं होता वहाँ से कुछ भी पैदा नहीं होता। जहाँ कुछ भी उत्पन्न होने की संभावना होती है वहाँ प्रकृति का वास है। प्रकृति अनंत है। प्रकृति तीन गुणों से युक्त होती है, सत्व गुण, तमोगुण और रजोगुण। और जब ये तीनों गुण सौम्य अवस्था में होते हैं तो दुनिया में कोई भी चीज पैदा नहीं होती है, क्योंकि प्रकृति में जड़ता होती है और किसी वस्तु के सृजन के लिए चैतन्यता होना आवश्यक है। अब इस जड़ता को पुरुष यानी के शिव चैतन्य बनाते हैं। इस पुरुष तत्व में जड़ता नहीं होती, भौतिकता नहीं होती, यह अपरिवर्तनीय है। इसमें कोई बदलाव नहीं आता, यह सदा से जैसा है, समय के अंत तक वैसा ही रहेगा। यह शुद्ध चेतना है, यह शुद्ध प्रकाश है।
अतः जब ये दोनों पुरुष और प्रकृति या शिव और शक्ति आपस में मिलते हैं तो इनसे ही सृष्टि का सृजन होता है। ग्रह नक्षत्र उत्पन्न होने लगते हैं, जीव जंतु और मनुष्य उत्पन्न होने लगते हैं, देवी देवता उत्पन्न होते हैं। इस चराचर जगत में दिखने वाली तथा जो नहीं भी दिख रही है उन सब का जन्म होने लगता है। इन्हीं पुरुष और प्रकृति या शिव और शक्ति को प्रत्यक्ष रूप देने के लिए या सिंबोलाइज करने के लिए शिवलिंग को बनाया गया। अब यह जान लेना अति आवश्यक है कि शिव कोई मनुष्य नहीं है जो कहीं वास कर रहे हैं। शिव परम चेतना है जिसके आगे कोई विभाज्यता नहीं है। शिव एक अस्तित्वहीन अस्तित्व है जो नाम और रूप से परे है, और इस निर्मल शुद्ध और परम चेतना को ही शिवलिंग के माध्यम से दर्शाया जाता है, और इसी तत्व को सगुण रूप में भगवान शंकर के रूप में दर्शाया जाता है। शिवलिंग का आकार ऐसा ही क्यों है? शिवलिंग पुरुष और प्रकृति के मिलन का प्रतीक है, तो प्रकृति को हम कैसे सिंबलाइज कर सकते हैं? यदि हम प्रकृति को पत्तियों के रूप में या किसी प्राणी रूप में या मनुष्य रूप में माने तो सभी तत्व इसमें नहीं आ सकते, पर यदि हम प्रकृति को कोई गैलेक्सी माने तो इसके करोड़ों सूर्य चंद्रमा ग्रह प्राणी और तत्व आ जाते हैं, इसलिए प्रकृति को गैलेक्सी का रूप दिया गया। अब शिवलिंग का ऊपर का हिस्सा ऐसा क्यों बनाया गया? तो आज भी जब हम परम तत्व की कल्पना करते हैं तो एक ज्योति के रूप में करते हैं, क्योंकि इस पूरे जगत में ज्योति से शुद्ध कुछ भी नहीं है, इसलिए परम चेतना की कल्पना ज्योति के रूप में की जाती है। और भारत में सभी स्वयंभू शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग ही कहा जाता है। ज्योति स्वरूप होने कारण ही शिव को कर्पूर गौरम यानी के कपूर की तरह गोरे स्वरूप वाला कहा जाता है। अतः शिव और शक्ति के इन्हीं स्वरूपों को एक करके जब पत्थर पर उकेरा गया तो हमें शिवलिंग की प्राप्ति हुई। शिवलिंग की पूजा क्यों करनी चाहिए? पुरुष और प्रकृति के मिलन से सभी देवी देवताओं का सृजन हुआ है। अतः जब हम शिवलिंग की पूजा करते हैं तो हमें सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सभी मनुष्यों का एक ही गंतव्य है और वो है शिव बनना। शिवलिंग हमें बताता है जैसे शिव प्रकृति में एकाकार होकर भी उसमें लिप्त नहीं होते, वैसे ही हमें भी इस माया और बंधन से मुक्त हो कर शिव बनना चाहिए। शिवलिंग पर ध्यान लगाने से मनुष्य को परम चेतना की प्राप्ति होती है और वह शिव में एकाकार होकर मुक्त हो जाता है, वह स्वयं शिव हो जाता है। हमें आशा है आपको हमारी आज की प्रस्तुति अच्छी लगी होगी, और आप इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करेंगे। हर हर महादेव।